नमस्कार मित्रों, मैं हूं विकी और हाल कैसा है आपका। आज बात करेंगे कि बीएससी आईटी और बीएससी कंप्यूटर साइंस में डिफरेंस क्या है और किस स्टूडेंट को कौन सा सूट करेगा। पर आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इस पर आपको करियर और कोर्सेज से रिलेटेड सारी जानकारी मिलती रहेगी। मित्रों, बीएससी आईटी और बीएससी कंप्यूटर साइंस में काफी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा चूज करें। तो आइए आज मैं आपको दोनों के बेसिक डिफरेंसेस बता देता हूं ताकि आपको डिसीजन लेने में आसानी हो। तो कुछ टॉपिक्स इन दोनों कोर्सेस में सिमिलर हो सकती है, जैसे प्रोग्रामिंग, पर इंस्टीट्यूट पर डिपेंड करता है कि कितने सब्जेक्ट सिमिलर होंगे, बट डिफरेंसेस तो हैं काफी। तो आइए जानते हैं उन डिफरेंसेस के बारे में। बीएससी कंप्यूटर साइंस में ज्यादा फोकस कंप्यूटिंग के मैथमेटिकल और थियोरेटिकल फाउंडेशंस पर होता है और हार्डवेयर पर भी। फिजिक्स के कुछ टॉपिक्स भी बताए जाएंगे इसमें आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम्स और एप्लीकेशंस के डिजाइन और डेवलपमेंट के बारे में भी बताया जाता है। इसमें मैथमेटिकल एल्गोरिदम्स, कंप्यूटर थियोरी की समझ सिखाते हैं ताकि लेटेस्ट चीजें कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में आप डेवलप कर सकें। बीएससी आईटी में कंप्यूटर एप्लीकेशन, डेटाबेस, नेटवर्क्स, सॉफ्टवेयर्स इत्यादि पर ज्यादा फोकस होता है। इसमें सिखाया जाता है डेवलपमेंट, मेंटेनेंस और कैसे कंप्यूटर सिस्टम, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क्स का इस्तेमाल करना है डेटा के प्रोसेसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। आईटी प्रोफेशनल्स इन प्रोग्राम्स को बिजनेस के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बीएससी कंप्यूटर साइंस रिसर्च और एकेडमिक फील्ड के लिए ज्यादा सूटेबल है। हालांकि बीएससी कंप्यूटर साइंस के बाद आईटी इंडस्ट्री में भी काफी जॉब प्रोफाइल्स आप पा सकते हैं, लेकिन अगर आप रिसर्च में जाना चाहते हो या फिर टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हो तो ये ज्यादा सूटेबल होगा आपको। बीएससी आईटी आईटी इंडस्ट्री के कुछ जॉब प्रोफाइल्स के लिए ज्यादा सूटेबल रहेगा, क्योंकि काफी आईटी प्रोफाइल्स में आपको क्लाइंट को एक्सप्लेन करना होता है कि कैसे आप टेक्नोलॉजी की कोई इशू सॉल्व करोगे या बिजनेस में न्यू टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करोगे। शॉर्ट में कहूं तो अगर आप कंप्यूटर साइंस के फंडामेंटल्स में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं और सॉफ्टवेयर कंप्यूटिंग सिस्टम्स या हार्डवेयर डिजाइन करना चाहते हो तो बीएससी कंप्यूटर साइंस ज्यादा अच्छा रहेगा, और अगर आप कंप्यूटर्स और सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करके उसे इंप्लीमेंट करके बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में इंटरेस्टेड हो तो बीएससी आईटी आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। पर डिसाइड करने से पहले एनालाइज कीजिए कुछ और बातों को भी, जैसे दोनों में से कौन से कोर्स के सब्जेक्ट्स आपको ज्यादा पसंद आते हैं, दोनों में जॉब प्रोफाइल्स कौन से अवेलेबल हैं और आपको कौन सा जॉब प्रोफाइल चाहिए, दोनों में से कौन से कोर्स के लिए आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है, दोनों में भी जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं काफी कंप्यूटर्स के फील्ड में, काफी ऐसे जॉब प्रोफाइल्स हैं जो इन दोनों कोर्सेस के ग्रेजुएट्स पा सकते हैं। तो सोचिए इन बातों के बारे में फिर डिसीजन लीजिए। और दोनों ही कोर्सेस के ऊपर मैंने काफी वीडियोस बनाए हुए हैं जिसमें मैंने उनके सब्जेक्ट्स, जॉब प्रोफाइल्स और बहुत सारे और डिटेल्स भी बताए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में है वो लिंक्स। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो और शेयर जरूर करना सबके साथ, और सब्सक्राइब कर लिया है ना।